बात करेंगे मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में शामली जिला जज और जिलाधिकारी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान जेल में बंद बंदियों में हड़कंप मच गया। जेल की सभी महिला पुरुष बैरकों की बारीकी से जांच की गई और बंदियों से उनका हालचाल भी जाना गया। जेल में छोटे आपराधिक मामलों में बंद बंदियों को जल्द जमानत दिलाने और जिन बंदियों के न्यायालय में पैरवी के लिए वकील नहीं उन्हें भी सहायता दिलाने की एक मुहिम की शुरुआत की। निरीक्षण के बाद जेल से बाहर आने पर मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी शामली इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि निरीक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक औचक निरीक्षण, दूसरा बताकर किए जाने वाला निरीक्षण। वहीं जिस बंदी के पास वकील नहीं है उसके बारे में हालचाल जाना और वैसे जेल में किसी प्रकार की कोई खामी नहीं मिली। जेल एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो इनको उपलब्ध है या नहीं, खाने पीने और शौचालय और बिजली और पंखे और लेटने इत्यादि की व्यवस्था प्रॉपर है या नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिल रही है नहीं, और किसी को अदालती कार्य में कोई अड़चन तो नहीं है, किसी को वकील नहीं मिल पा रहा है या कहीं बात रखना चाहे तो रख सकता है, इस नजरिए से आज इस तरह